हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलिए देखते हैं कि 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर कैसे नौकरी मिलेगी। तो हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि सरकारी भर्तियों के लिए अभियान चलाया जाएगा, साथ ही निजी क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। विद्यार्थियों को 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची के आधार पर नियोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए काम कर रही है। भोपाल में सिंगापुर की सहायता से जो है लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से एक कौशल विकास केंद्र बनाया जा रहा है। तो चौहान ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश के 15 लाख प्रवासी मजदूर वापस प्रदेश लौट आए हैं, तो प्रवासी मजदूरों को उनके निवास स्थान के समीप रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से घर घर जाकर के सर्वेक्षण करके जो है 14 लाख से अधिक श्रमिकों को जॉब कार्ड बनाए गए हैं और अब तक जो है 2400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मजदूर के रूप में जो है मजदूरी के रूप में मजदूर को खातों में अंतरित की जा चुकी है। तो इस प्रकार से न्यूज़ आई हुई है कि 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर जो है आने वाले दिनों में जो भी वैकेंसियां आएगी मध्य प्रदेश में, तो 10वीं और 12वीं के मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। जो यहां पे स्पष्ट लिखा है कि 10वीं और 12वीं की अंकसूची के आधार पर जो है नियोजित किया जाएगा रोजगार। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। जब तक के लिए बैठ कीजिए।